नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पैड 4-2 सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। अभ्यर्थी अपना 3.5-4 सेंटीमीटर लंबा रंगीन फोटोग्राफ प्रारूप स्कैन कर अपलोड करें। स्कैन कर अपलोड किए जाने वाली हेतु अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 3.5 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हिंदी / अंग्रेजी। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में कर दें या केवल अंग्रेजी में कर दें, कंबाइंड सिग्नेचर चाहिए जिसकी प्रारूप फाइल का आकार अधिकतम 30 KB भी होना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के अपने लेटर्स में हस्ताक्षर मान्य होंगे। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम लिखे, यानी कि पहले अंग्रेजी में पूरा नाम, जैसे हरिश्चंद कुमार है तो हरिश्चंद कुमार पूरा अंग्रेजी में, फिर नीचे हरिश्चंद कुमार हिंदी में लिखें, ठीक है। अभ्यर्थी वांछित सूचना प्रविष्ट करने के बाद बटन क्लिक करते हुए अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहते हैं फाइनल सबमिट करने के बाद और फीस पेमेंट करने से पहले आप कैटेगरी डोमिसाइल चेंज कर सकते हैं, बट फीस कटने के बाद ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ईमेल मोबाइल नहीं चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी वेबसाइट होम पेज पर उपलब्ध मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन क्लिक पर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करेगा तो उसको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस ओटीपी को प्रविष्ट करने के उपरांत उसका भरा हुआ फॉर्म खुलेगा। अभ्यर्थी अपने फॉर्म में किसी भी फील्ड को संशोधित कर सकता है, परंतु अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता। आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन उल्लेखित संशोधन अंतिम तिथि 3/8 तक ही अनुमन्य है, उस उक्त के उपरांत अब संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार समिति कोई संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर होम पेज पर UPSSC की मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर कैप्चा फिल करते हुए क्लिक ये टू प्रोसीड करेंगे और ये नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये फोटो सिग्नेचर डेमो है, बट आप अपना ओरिजिनल सिग्नेचर ओरिजिनल फोटो ही यूज़ करें। यहाँ देखिए ये सैंपल दिया गया है, ये देखिए फ़ोटो लगा रखी है और सिग्नेचर देख सकते हैं पहले इंग्लिश में है फिर हिंदी में है, जैसा कि नोटिफिकेशन बताया गया है पहले इंग्लिश में पूरा नाम राम अवतार लिखा हुआ है फिर हिंदी में राम अवतार। इसी प्रकार आप साइन अपने करें, ठीक है, और यदि कुछ गलत हो गया है तो आप एडिट मॉडिफाई करके अपना साइन करेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, इन सब से बचने के लिए सारे इंस्ट्रक्शन ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ आप देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा से सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 2 फॉर्म अप्लाई किए हैं तो पहला वाला निरस्त हो जाएगा और सेकेंड वाला आपका वैलिड होगा। तो नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप नोटिफिकेशन क्लिक कर रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।